नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एक वेइंग स्केल वेट मशीन। तो यहाँ स्टिकर में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो चलिए बॉक्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ आपको बॉक्स में मिलेगा। तो दोस्तों, ये हमने परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और ऐसी कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रिपल ए सेल मिलेंगे ये दो, ठीक है। और आपको ये एक मिलेगा प्रिंट यूज़र मैनुअल जैसा है, क्या फीचर्स एंड फंक्शन है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और ये है दोस्तों हमारा वेइंग स्केल। तो ये दोस्तों ग्लास वेइंग स्केल है, ग्लास से बना हुआ है, शीशे का है ये, और ट्रांसपेरेंट भी मिलता है। बट ये थोड़ा सा पीछे इसमें टेक्चर दे रखा है, थोड़ा प्रिंट दे रखा है। तो क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये हमें 700 रुपये के आसपास मिला था। और यहाँ पे इसका ब्रांड नेम दे रखा है एडोफिस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है ये। और यहाँ पे दोस्तों इसमें डिस्प्ले दे रखा है, ये ब्लैक एंड वाइट LCD डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाता है, डिजिटल डिस्प्ले। और ये देखिए, ये इसकी थिकनेस है 4 या 6 mm का लग रहा है मुझे ये। और नीचे से देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे चारों साइडों पे रबर ग्रिप्स दे रखी हैं, ये देखिए। और यहाँ पे एक बटन दे रखा है सेटिंग्स वगैरह चेंज करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों हमने सेल डालने हैं, ये सेल कंपार्टमेंट है। तो चलिए सेल डाल देते हैं इसमें और फिर हम इसे यूज़ करके देखेंगे कि कैसे ये चलता है। तो देखिए, अभी डिस्प्ले आ चुका है इसमें, देख सकते हो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, विजिबल है, बैटरी दिखा रहा है और टेम्परेचर भी दिखा रहा है ये। और यहाँ पे दोस्तों आपको सेटिंग्स करने का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप इसे केजी में भी सेट कर सकते हो या पाउंड्स में भी सेट कर सकते हो। इसके पीछे जो बटन था उससे आप इसे चेंज कर सकते हो, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ करके। तो ये वाला दोस्तों जो बटन है, इसको अगर आप प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो ये देखिए अभी ये केजी में है, ठीक है। तो अभी ये वेट केजी में शो करेगा, बट इसे प्रेस करने पे देखिए LB हो गया, ये पाउंड्स में चला गया। तो आप पाउंड्स में भी सेट कर सकते हो और केजीज में भी इसे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने पाउंड्स में मेजर करना है या केजी में मेजर करना है अपना वेट। और टेम्परेचर भी ये शो कर रहा है। और दोस्तों, ये ज़्यादा वेट अगर आप इस पे रखोगे, मतलब 10 से ऊपर, तभी ये ऑन होता है। अगर हल्का वेट रखोगे तो ये ऑन नहीं होता, और अगर आप इसे यूज़ नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ वेट रखने वाला हूँ, थोड़ा फोम रखा है मैंने, क्योंकि ग्लास है, ख़राब हो सकता है। तो ये 3 kg की एक दोस्तों वेट की प्लेट है, देख सकते हो आप, 3 kg इसमें प्रिंट भी हो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम इसको रख देते हैं और देखते हैं कि ये कितना वेट मेजर करता है, वेइंग स्केल कितना शो करता है। देखिए, अभी ऑन नहीं हुआ है बिकॉज़ ये वेट काफ़ी कम है, 10 किलो से अगर आप इसमें कम वेट रखोगे तो ये ऑन नहीं होता है। तो थोड़ा आपको इसे प्रेस करना पड़ेगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी 3 kg वेट शो कर रहा है। अगर आपने 10 किलो से कम वेट रखा है तो आपको थोड़ा सा इसे प्रेस करना पड़ेगा ऑन करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 kg बिल्कुल सही दिखा रहा है, एक्यूरेट दिखा रहा है। तो अभी हम एक और प्लेट ऐड कर देते हैं, एक और प्लेट मैं इस पर रख देता हूँ। चलिए, ये देखिए, ये भी 3 kg की है, इसको इसके ऊपर रख देते हैं। और इसको मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ तो देखिए 6 kg ये शो कर रहा है। तो यानी कि ये एक्यूरेट है काफ़ी हद तक, 3-3 kg की मैंने 2 प्लेटें रखी और ये 6 kg दिखा रहा था। तो यहाँ पे अभी हम 4 प्लेटें रखेंगे। तो देखिए, 2 रखी है, 6 kg है, एक और रख देते हैं अभी हम, ये देखिए 9 kg शो कर रहा है, एक और रख देते हैं तो ये शो कर रहा है 12 kg। तो मैं अभी अपना वेट भी कर लेता हूँ। तो ये मैंने ऑफिस में अपना वेट मेजर किया था दूसरे वेइंग स्केल में, 70.6 kg आ रहा था। तो ये देखिए, तो अभी हम इस वाली वेइंग स्केल में अपना वेट मेजर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, 70 kg आ रहा है, मतलब 0.6 का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मतलब दोस्तों, काफ़ी हद तक ये एक्यूरेट है। और अगर आप कोई वेइंग स्केल परचेज़ करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस वेइंग स्केल को परचेज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।